Morning students, class 5, English 1, chapter 13. We shall study about the life of Robinson Crusoe. First part, the story of Robinson Crusoe was written by Daniel Defoe. यह कहानी आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है. रॉबिन्सन क्रूसो के पिता एक बिजनेसमैन थे, इसलिए वे चाहते थे कि उनके बेटे एक लॉयर बने. बट रॉबिन्सन क्रूसोस एम्बिशन वाज टू बिकम ए सेलर. लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा नाविक बनने की थी. वन डे ही रैन अवे फ्रॉम हिज हाउस. एक दिन वह अपना घर से भाग गया. फिर एक अच्छा नाविक बनकर वह अपने दोस्तों के साथ समुद्री यात्रा समुद्री जहाज से अफ्रीका को रवाना हो गया. अचानक उनके जहाज एक भयानक तूफान से समुद्र के लहरों से टकराए. तत्पश्चात उनके सभी दोस्तों समुद्र में समा गए. केवल रॉबिन्सन क्रूसो ही संघर्ष करते हुए तैरता हुआ वह अपना जान बचाया. अंत में वह एक छोटे आइलैंड या द्वीप में पहुंच गया. इस तरह वह एक अनजान जगह पर अपना जीविका शुरू किया. चैप्टर 13 Robinson Crusoe, Part 1. The story of Robinson Crusoe was written by Daniel Defoe. Daniel Defoe lived in the 17th century and is considered to be one of the first novelists of English literature. Robinson Crusoe ki kahani Daniel Defoe dwara likhi gayi. डैनियल डिफो 17वीं शताब्दी में रहते थे और उन्हें अंग्रेजी साहित्य के पहले उपन्यासकारों में से एक माना जाता है. रॉबिन्सन क्रूसो वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरीज इन द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बीन वेरी पॉपुलर विद चिल्ड्रन. रॉबिन्सन क्रूसो अंग्रेजी भाषा की सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक बच्चों के साथ बहुत लोकप्रिय रही है. रॉबिन्सन क्रूसो वॉज बोर्न इन इंग्लैंड इन द ईयर 1632. रॉबिन्सन क्रूसो का जन्म सन 1632 ईस्वी इंग्लैंड में हुआ था. एज ए लिटिल लैड हिज एम्बिशन वॉज टू बिकम ए सेलर. But his father would not allow him. Instead, he wanted him to become a lawyer. एक छोटे बालक के रूप में उनकी महत्वाकांक्षा नाविक बनने की थी. लेकिन उसके पिता उसे अनुमति नहीं दिए. इसके बजाय वह चाहता था कि वह एक वकील बने. रॉबिन्सन क्रूसो रैन अवे फ्रॉम होम एंड बिकेम ए कैबिन बॉय एंड लेटर एन एक्सपीरियंस्ड सेलर. इसलिए रॉबिन्सन घर से भाग गया और एक केबिन बॉय बन गया और बाद में एक अनुभवी नाविक. वन डे His ship was going to Africa with a load of cargo. All of a sudden, their ship was struck by a terrible storm. एक दिन उनका जहाज कार्गो के भार के साथ अफ्रीका जा रहा था. अचानक उनके जहाज पर भयानक तूफान आ गया. For 12 days, the ship was tossed about by the mighty waves. Two members of the crew were thrown overboard, and after a day or two, the ship began to leak. They knew that
soon their ship would sink. 12 दिनों के लिए जहाज शक्तिशाली लहरों द्वारा फेंक दिया गया था, चालाक दलों के दो सदस्यों को जहाज पर फेंक दिया गया था और एक या दो दिन बाद जहाज रिसर्व करना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि उनका जहाज तुरंत डूबने वाला है। Robinson joined the company of three men who managed to get a lifeboat lowered in that rough weather. With great difficulty, they got into it and tried to row their little vessel against the tides, which rose like mountains. Robinson तीन आदमियों को कंपनी में शामिल हो गया, जो उस उबड़-खाबड़ मौसम में एक लाइफबोट को उतारने में कामयाब रहे। बड़ी मुश्किल से वे उसमें घुसे और अपने छोटे जलयान को उस पर्वतों की तरह रौंदने की कोशिश की जो पहाड़ों की तरह उठते थे। They rowed and rowed. The sea was very rough and wild. Suddenly they were lifted by a huge wave which threw them into the sea. वे नाव को प्रतिबिंब चलाते ही रह गए। समुद्र बहुत उबड़ खाबड़ था। अचानक वे एक विशाल समुद्र की लहरों को ऊंचाई पर लेकर उन्हें फेंक दिया। All of them tried to swim, but it was useless. Robinson Crusoe was carried by a wave which hurled him on the beach of an island. Crusoe looked for his companions. But he saw no one. He understood that all of them had perished in the sea. He knelt down on the sand and thanked God for saving his life. सभी कोई तैरने के लिए कोशिश किया, लेकिन वह बेकार था। रॉबिन्सन क्रूसो लहरों द्वारा उठा लिया गया था, जो उनको महादेव के किनारे फेंक दिया। वह अपने दोस्तों को देखा, लेकिन उसके बाद किसी को वह नहीं देखा। वह समझ गया कि सभी को समुद्र में मारे गए। वह बालू के ऊपर घुटने टेककर भगवान को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। He realized that lying on the open beach was dangerous. He crawled away from the beach and managed to climb a tree where he spent the night. As he was tired after the struggle in the sea, he had a sound sleep. In the morning when he got up, he could see his ship lying not far off. He decided to swim to the ship and get as many things as possible from it. उसने महसूस किया कि खुले समुद्र तट पर लेट जाना खतरनाक था। वह समुद्र तट से दूर रेंगता रहा और एक पेड़ पर चढ़ने में कामयाब रहा, जहां उसने रात बिताई थी। समुद्र में संघर्ष करने के बाद जैसे ही वह थक गया था, उसको गहरी नींद आई। जब वह सुबह उठा तो वह देखा कि उसकी जहाज उसके दूर में नहीं थी। वह जहाज में तैरने के लिए निर्णय लिया और जितनी संभव हो उतनी चीज़ें प्राप्त करें। He swam to the ship. By this time the sea had become calm again. The waves were not as high as on the previous day. वह जहाज की ओर तैरा। इस समय तक समुद्र फिर से शांत हो गया था। लहरें पिछले दिन की तरह ऊंची नहीं थी। He found a rope hanging over the side of the ship.
With its help, he pulled himself up on the deck and went down into the storeroom. He collected whatever he thought could be useful: bread, rice, cheese, wine, gunpowder, shoes, hammers, pistols, clothes, etc. वह जहाज के साइड में रस्सी को झूलते हुए पाया। इसकी मदद से उसने खुद को डेक पर खींच लिया और स्टोर रूम में चला गया। उसने जो कुछ भी सोचा था उसे एकत्र किया, जैसे यहाँ पर दिया गया है: रोटी, चावल, पनीर, शराब, बारूद, आरे, हथौड़े, पिस्तौल, कपड़े इत्यादि। दिस ही फिल्ड इन टू थ्री बॉक्सेस, देन ए रैप्ट वॉज फिटेड विथ पीसेस ऑफ वुड हेल्ड टूगेदर बाय रोप्स एंड ही प्लेस्ड द बॉक्सेस ऑन इट। विथ सम डिफिकल्टी ही मैनेज्ड टू लोअर हिज रैप्ट एंड रोड इट टू द शोर। ये उन्होंने तीन बॉक्सों में भरे, तब एक रस्सियों को रस्सियों के साथ लकड़ी के टुकड़ों के साथ फिट किया गया और उन्होंने बॉक्सों को ओटी पर रख दिया। कठिनाई के साथ उन्होंने अपना बेड़ा नीचे करने में कामयाब हासिल की और इसे किनारे तक पहुंचाया। द नेक्स्ट डे रॉबिन्सन क्रूसो हैड ए लुक अराउंड द आइलैंड। ही वेंट अप टू हाई हिल एंड लुक्ड इन ऑल डायरेक्शंस। अगले दिन रॉबिन्सन क्रूसो द्वीप के चारों ओर एक नज़र डाला। वह एक ऊंची पहाड़ी पर गया और सभी दिशाओं में देखा। द लैंड वॉज सराउंडेड बाय वाटर On all sides, he realized that he was on a small island, probably with no other human being on it. भूमि चारों तरफ पानी से घिरी हुई थी। उसने महसूस किया कि वह एक छोटे से द्वीप पर था, शायद उस पर कोई अन्य मानव नहीं था। For the next 13 days, Crusoe made many trips to the ship and brought many useful things like ropes, broken mast, canvas, sails, cables, axes, hammock, bedding, foodstuff and barrels of gunpowder. अगले 13 दिनों के लिए क्रूसो ने जहाज की कई यात्राएं की और रस्सियों, टूटे हुए मस्तूल, कैनवास, पाल, केबल, कुल्हाड़ियों, एक झूला, विस्तार, खाद्य पदार्थों और बारूद के बैरल जैसे कई उपयोगी चीज़ों को भी लाया। He knew that these items would be of great help to survive the hard days ahead. वह जानता था कि आने वाले कठिन दिनों से बचे रहने के लिए इन वस्तुओं से बहुत मदद मिलेगी। लास्ट पैराग्राफ। ही डिडंट एक्सपेक्ट हेल्प इन द नियर फ्यूचर एंड न्यू वेल दैट हिज आइलैंड वॉज फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल रूट ऑफ द ओशन गोइंग वेसल्स। ही हैड टू सर्वाइव एंड सर्वाइव अलोन ऑन ए स्ट्रेंज आइलैंड। उन्होंने निकट भविष्य में मदद की उम्मीद नहीं की और अच्छी तरह से जानते थे कि उनका द्वीप समुद्र के भीतर जाने वाले जहाज़ों के सामान्य मार्गों से बहुत दूर था। उसे एक अजीब द्वीप पर अकेले ही जीवित रहना और बचना था।